आप सभी के बोर्ड एग्जाम अब आने वाले हैं और आप सभी अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वह है आपका क्वेश्चन पेपर। उस पेपर में आप क्या करते हो, कौन सी गलतियां नहीं करते हो, यही बातें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपने अपने लिए लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक ले पाए। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि इस बार का जो सत्र है, इस बार का जो सेशन है वो आपके लिए टफ इसलिए है क्योंकि आप सभी ने एक पैंडेमिक को झेला है, उसकी मार के बावजूद भी आप सभी एक वॉरियर की तरह अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिस वजह से आपके अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे अंक आए। सबसे पहले जान लीजिए सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है वो हैंड राइटिंग को लेकर के आता है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जब आप बोर्ड परीक्षा देते हो। तो मैं आपको बता दूं एग्जामिनर, अगर आप एग्जामिनर के सामने हैंड राइटिंग अच्छी लिखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदे ये होते हैं कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर अपनी हैंड राइटिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो आप ये प्रयास करें कि आप जो भी लिखें वो रीडेबल हो, क्लियर हो और सेपरेटेड हो। कहने का मतलब जब आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके नीचे अंडरलाइन करके अब एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, जिससे एग्जामिनर को यह डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो कि आपने जो चीजें लिखी हैं वो कहां तक शुरू हो रही हैं और कहां पर खत्म हो रही हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लिखें तो आप तरह से लिखें कि वो रीडेबल हो, क्लियर हो। और मैं आपको बता दूं लीजिए कि एग्जामिनर का मूड अगर थोड़ा ऑफ है और आपने राइटिंग सही नहीं लिखी, क्लियर नहीं लिखा, तो उसका असर आपकी कॉपी पर पड़ेगा। तो इसलिए जो भी लिखें बहुत ही साफ सुथरा अच्छा लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मुझे पेपर नहीं आ रहा है तो क्या मैं सीक्वेंस वाइज पेपर अटेम्प्ट ना करूं? तो देखिए आप प्रयास ये करें कि आप सीक्वेंस वाइज ही पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करेगा तो क्वेश्चन नंबर को देखेगा और पेपर से मैच कराएगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज पेपर को अच्छे से लिखोगे तो आपकी कॉपी में कम समय लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, उसको एक सीमित समय मिलता है हर कॉपी को चेक करने के लिए, हर कॉपी पे उसको कहीं ना कहीं मेहनताना मिलता है। तो इसलिए एग्जामिनर से आप कम मेहनत कराएं, ये प्रयास करें कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में बहुत आसानी हो, एग्जामिनर आपसे इरिटेट ना हो। तो इसलिए प्रयास ये करें कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो पेपर में क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज लिखें, 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखते चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप 1 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार अगर आपका पेपर पलटना होगा, आपकी कॉपी देखनी होगी तो इसमें वो इरिटेट होगा, उसको बहुत मेहनत करनी होगी और इसलिए आपके मार्क्स कटेंगे। तो आप प्रयास ये करें, शुरुआत वहीं से करें जहां से आपको क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कि आपको प्रश्न नंबर 10वें के बाद से सब आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से स्टार्ट करें और बाद में उन प्रश्नों को करें जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है या जो आपको अच्छे से नहीं आ रहा है। अगली बात मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि बोर्ड एग्जाम में वर्ड लिमिट को फॉलो करना क्यों जरूरी है, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं गलती आप लोग ये करते हो कि अननेसेसरी बहुत सारी चीजें लिखते हो, खासकर ये गलतियां आप लोग अपने लैंग्वेज के पेपर में करते हो, अपने सोशल साइंस पेपर में करते हो। तो इसलिए आप इन गलतियों से बचें, अननेसेसरी मत लिखें, जो भी लिखें टू द पॉइंट लिखें, अपने आंसर के कोर को पकड़ कर लिखें। ये ना हो कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप लिख कुछ और रहे हो। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किस हिसाब से उत्तर लिखें, तो इसके लिए आपको अपने मार्क्स देखने होंगे कि क्वेश्चन का मार्क कितना है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 लाइनर आंसर होगा, 1 वर्ड भी आंसर हो सकता है। 2 मार्क्स का है तो 3 to 4 लाइन होगा। तो जितना आपका मार्क्स है उसी हिसाब से आपकी लेंथ होगी उस आंसर की। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये नहीं कि आपसे 2 नंबर में कुछ पूछा गया, आपसे मान लीजिए पूछा गया और आपने 7-8 लाइन लिख दिया, नहीं, अगर वो 2 नंबर में है तो 2 नंबर के हिसाब से उसका डिफिनेशन लिखे, एग्जाम्पल लिखे, आगे बढ़ जाए। ये ना करें कि 2 नंबर में आप ज्यादा ज्यादा लिखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि आप बहुत लिख देते हो, बहुत ज्यादा लिख देते हो, फिर भी आपको 2 ही अंक मिलेंगे क्योंकि उस प्रश्न में 2 अंक निश्चित कर दिए गए हैं। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, इन गलतियों से आपको बचना है। अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। एक क्वेश्चन अगर आपको मिला और अगर आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है इंस्टेंट, एक बार में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को 2 से 3-4 बार जरूर पढ़ें,
तब तक पढ़ें जब तक आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, क्वेश्चन की पूरी भाषा ना समझ में आए, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको आंसर को लिखना है, ये सारी बातें आपको समझ में तब आती हैं जब आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो बोर्ड एग्जाम में कितनी तैयारी आप कर रहे हो इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आपका पेपर में अप्रोच क्या है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रिजल्ट आने के बाद ये कहेंगे कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, मुझे अंक नहीं मिले, और उसने कम तैयारी की थी फिर भी उसको अच्छे अंक मिले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने पेपर के समय कुछ चीजें बहुत सही की जो आप करने से बच गए। और मैं आपको बता दूं, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पेपर को आप क्रॉस चेक जरूर करें। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सभी टीचर्स ये कहते हैं कि एग्जाम में पेपर खत्म होने से 10 मिनट पहले अपने समय बचाइए। इसमें आप करिए क्या, उन क्वेश्चंस को देखिए जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और आप उसको लिख नहीं पाए हो, कहीं चीजें छूट रही हैं, कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई क्वेश्चन का पार्ट छूट रहा है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप क्रॉस चेक कर लो। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको कट करके सही कर लो, तो इसलिए बार बार आपको क्रॉस चेक के लिए कहा जाता है। ये कुछ बातें थी जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। आपको वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और कौन सी बातें आप फॉलो करोगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।